वेलकम टू मोमेंस किचन। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पुलाव, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 पोटैटोज मीट इस तरह पीसीस में मैंने कट किए हैं, 100 ग्राम्स मटर यानी कि 100 ग्राम मटर लेंगे, 100 ग्राम कैरेट ली हूँ मैंने, बारीक पीसेस नहीं करते वैसे थिक श्रेड पीस में किए हैं, 100 ग्राम्स फ्रेंच बीन्स लेंगे, हाफ गोभी कॉलीफ्लावर लेंगे हम और कुछ पत्ते पुदीने के लिए। मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी 3 अनियन की यानी कि प्याज की, मीडियम स्लाइस में कट करेंगे थिन स्लाइसेस में, और 6 से 7 काली मिर्च, 6 से 7 लौंग और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1 टमाटर लेंगे, 7 से 8 हरी मिर्च को मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड की है, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करें इनका, 150 ग्राम्स दही योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 नींबू का रस। इसी के साथ हमें चाहिए होंगे 3 कप चावल। पटेटो को फ्राई करेंगे, हम पटेटो को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस लाइटली ब्राउन होने देंगे और उन्हें गर्म तेल से निकाल देंगे। इसी के साथ अब हम डालेंगे गोभी, हम सारी वेजिटेबल्स को 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। मैंने इसमें मटर को ऐड नहीं की हूँ क्योंकि मेरे मटर जो थे वो ऑलरेडी कुक्ड वाले हैं, तो इसके लिए मैं इनका इस्तेमाल लास्ट में करने वाली हूँ। अगर आपके मटर पके हुए नहीं हैं, कच्चे वाले हैं, तो आप उनको इन वेजिटेबल के साथ ज़रूर फ्राई करें। अब हम प्याज डालेंगे, इसके साथ हमारे गरम मसाला और जीरा और नमक भी डाल देंगे। प्याज के लाल होने से पहले पहले हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड करेंगे और इनको हाई फ्लेम पर अच्छा पकाएंगे ताकि इनकी स्मेल पुलाव में नहीं आए। 5 मिनट तक हम इन्हें अच्छा मिक्स करते रहेंगे और इसी के साथ फिर हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे और फिर योगर्ट यानी कि दही को ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। और पुदीने के पत्ते वो भी ऐड कर लें। मसाले के थोड़े पकने पर हम इसमें अपनी सारी फ्राई की हुई मिक्स वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे और उन्हें 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इस मसाले में पकाएंगे। उनके पकने पर हम इसके बाद 3 कप चावल का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो उस हिसाब से इतना ही पानी डालूंगी कि मेरे चावल जो है वो छूटे छूटे और खुले खुले बहुत ही अच्छे से बने। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी के बॉईल होने पर हम इसमें चावल ऐड करेंगे, उसी के साथ हम चावल का नमक भी डालेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। पानी के थोड़ा कम होने पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चावल जो है वो थोड़े पक गए हैं, हम इसमें फ्राई की हुई पोटैटोज़ को ऐड करेंगे और चूंकि मैंने अपनी मटर ऐड नहीं की थी, मटर को भी मैं ऐड करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पुलाव जो है हमारा, उसमें हमने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी है। अब हम इसमें नींबू का रस जो हमने बनाए थे उसे ऐड करेंगे, स्पॉट्स बनाकर 3 से 4 जगह पुलाव में स्पॉट्स बनाएंगे, उसमें नींबू का रस ऐड करेंगे और फिर पुलाव को अच्छे से कवर करके लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक, जब तक कि हमारे चावल नहीं पकते, पकाएंगे। 15 से 20 मिनट तक पकाने के बाद आप देख रहे हैं हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही अच्छे से पक गया है, बहुत ही अच्छा बना है। सारे चावल भी है वो बहुत ही खुले खुले बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।